सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार अश्विनी है, मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूँ। 15 साल की उम्र से मैं लोगों की फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग और फिंगरप्रिंट के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। पिछले 40 साल के अपने तजर्बे के आधार पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ 100% कर्म का आधार है। आपको कुछ महापुरुषों की बातें बताना चाहता हूँ। पहले भक्त कबीर जी ने बोला, प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है जही मन नहीं बांधे धीर। दूसरी बात बोली है स्वामी विवेकानंद जी ने, अभी मैं जो वर्तमान जीवन जी रहा हूँ वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है। तीसरी बात बोली है महर्षि व्यास जी ने, पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। अब आपको और एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। एक 9 साल का लड़का जिसका नाम है बेल्जियम का रहने वाला, वो लॉरेंट मिस सिमंस, वो 9 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। दूसरा आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, सचिन 16 साल की उम्र में इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो गया था, उसका बेटा 25 साल का हो गया, वो किसी भी फॉर्मेट में खेल नहीं रहा। तीसरी एग्जाम्पल, दुनिया के नंबर वन क्लासिकल सिंगर सलामत अली साहब 7 साल की उम्र में एज प्रोफेशनल क्लासिकल सिंगर के तौर पे उनका कैरियर शुरू हो चुका था। अडवाणी जी ने 50 साल लगा दिए, 12 रथ यात्रा निकाली, फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने एक इलेक्शन ही लड़ा, अगर लड़ा तो वो हार गए, तो वो देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दुनिया के अकेले एक ऐसे आदमी हैं जो बिना इलेक्शन लड़े देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने। बाकी हर देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के बाद बना, ये बिना लड़े बने हैं, ये भाग्य की बात है। उन्होंने पूर्व जन्म के संचित कर्म अच्छे किए हैं, उनके आधार पर उनको जन्म में फल मिला। मेरा ये कहना है, आपको और एक वेद की घटना बताता हूँ। एक डाकू और साधु जंगल में जा रहे थे, बारिश पड़ गई और वो किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और बारिश रुकी तो पानी ही पानी था। वो दोनों चल पड़े तो गड्ढे में गिर गए दोनों। तो जो साधु था उसके पैर में किल चुभ गई, तो डाकू था उसको सोने की पोटली मिल गई। तो साधु बड़ा हैरान हो गया, अभी मैं साधु और ये डाकू, इसको सोना मिल गया और मेरे पैर में किल लग गई। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है साधु के लिए, भी तुमने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किए थे, इस जन्म में आपको फांसी मिलनी थी, आप साधु बन गए अच्छे काम करने लग पड़े, इसलिए आपकी जो फांसी है वो शूल में कन्वर्ट होगी। दूसरी तरफ डाकू की जो भविष्यवाणी आकाशवाणी होती है, भी पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे काम किए थे, आपने राजा बनना था, आपको बहुत धन मिलना था, लेकिन आप डाकू बन के गलत काम करने लग पड़े, जो आपका धन था वो छोटी सी पोटली में समा गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आपको जीवन में जो कुछ मिलता है वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का ही मिलता है। मेरा जो फाइनल आउटकम है 100% आपको ज्योतिष जो है कर्म का आधार है। धन्यवाद। मतलब धर्म के अनुसार चलते हुए कर्म, तो कर्म बेस्ड ज्योतिष, इसका उदाहरण एक देख लीजिए कि मान लीजिए किसी के दादाजी ने कुत्ते मरवाए हैं। अब क्या होता है कि उसके पास उसके पोते, उसके भी बच्चे, उसके पोते, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है और उनके यहाँ केतु खराब हो जाता है, और जिसके कारण उनके यहाँ संतान की प्रॉब्लम होने लगती है या फिर उनके संतान बिगड़ जाती है, पुत्र प्राप्त नहीं होता। तो ये कर्म के अनुसार हो गया ना, एक कर्म बिगड़ा तो पीढ़ियों तक उसको भोगना पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी ने कर्म अच्छा कर दिया, उसके पोतों ने में से किसी पीढ़ी में कर्म अच्छा करने से मतलब कि उन्हीं कुत्तों को सुबह से मीठी रोटी देना शुरू कर दी। अब लगातार वो देते रहे तो उनके कर्म अच्छे हो गए। इससे क्या हुआ कि उस कर्म के आधार पर उनका केतु सुधर गया, और केतु सुधरने से उनके संतान प्राप्त होने लगी, संतान होने से
हमें ज्ञात हो रहा है कि ज्योतिष का आधार कर्म पर टिका हुआ है। इसीलिए गीता में भी कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते हुए आप देखेंगे कि आप अपने जो लिखा हुआ है कुछ कुंडली में बुरा ग्रह, उसे भी आप अपने कर्म करके, अच्छे कर्म करके सुधार सकते हैं। जैसे किसी की शादी ना होने का लिखा है, अब वो कुछ कर्म ऐसा करने लगे, मंत्र पाठ या दान पुण्य कुछ ऐसा करता है और उसकी शादी हो जाती है। तो इससे एकदम हम जान सकते हैं कि कुंडली, हमारी कुंडली कर्म बेस्ड है। जय श्री कृष्ण। सभी देवगण आचार्यों को झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष की तरफ से रविंद्र पीताम्बरी का प्रणाम। एस्ट्रो थर्ड आई विजन द्वारा आयोजित संगोष्ठी, ऑनलाइन संगोष्ठी, जिसका विषय ज्योतिष का आधार धर्म या कर्म, इस पर मेरे अध्ययन की प्रस्तुति। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषा गते विलिख्यम प्रपठेत स्त्रोतम सभवीत संपदा पदम। श्री दुर्गा नामावली का यह श्लोक ज्योतिष विज्ञान की, ज्योतिष ज्ञान की उत्कर्षिता को स्वयं सिद्ध करता है कि एक विशेष समय में, विशेष संयोग में ज्योतिष के पांच अंगों के विशेष संयोग में कोई शुभ कर्म किया जाए, यहां पर श्री दुर्गा नामावली स्त्रोत को लिखा जाए और फिर पढ़ा जाए, तो वह जातक जो है अटूट संपदा का सौभाग्यशाली होगा। भौमावस्या मतलब मंगलवार का दिन, तिथि अमावस्या, समय रात्रिकाल और ग्रह चंद्रमा और शतपिशा नक्षत्र में जब हो, तो उस समय में अगर कोई जातक श्री दुर्गा नामावली को लिखता है और फिर पढ़ता है, तो वह उसको अटूट अटूट संपदा प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह है श्लोक अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है और ज्योतिष का बहुत ही सुंदर परिभाषा देता है। दोस्तों, यह समय, समय सीमा जो है, क्योंकि दुर्गा नवरात्र में थी, तो इसलिए मैंने दुर्गा नामावली का उदाहरण लिया। इसी प्रकार से हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और अनेकों अनेक ज्ञान रूपी चक्षु विभिन्न देवी देवताओं के जो स्त्रोत हैं, वह सब अपने आप में ही ज्योतिष को बताते हैं। हमारे प्रकांड आचार्य, ज्योतिषाचार्य, जैसे कि भृगु जी, व्यास जी, पाराशर जी, इन सभी ने इन उपनिषदों को, ज्ञान चक्षुओं के अध्ययन करके, उन्होंने बहुत ही सरल रूप में ज्योतिष के रूप में इसे जो है संकलित कर दिया है। ज्योतिष अपने आप में ही ज्योति प्लस ईश, दो आध्यात्मिक शब्दों का मिलन है। इस प्रकार से दोस्तों, यह स्वयं सिद्ध है कि ज्योतिष जो है वह धार्मिक रूप से किए गए कर्मों को ही का आधार है, जिससे कि इंसान शुभता पा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आयोजकों का और धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी के मित्रों, मैं पंडित अशोक लाटा शर्मा, ज्योतिष धर्म और कर्म की गोष्ठी चल रही है, इसमें प्रश्न है कि ज्योतिष कर्म आधार है या धर्म का आधार है। तो हमारा मानना है कि ज्योतिष कर्म का आधार है और कर्म
का फल ही ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार मिलता है। उदाहरण के मान लें हम कि आपके जन्म कुंडली में कुछ ग्रह हैं जो नीच के हैं और अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि उन ग्रहों की कारण आपको कर्म अच्छे नहीं करेंगे, आप अच्छे कर्मों में नहीं जा पाएंगे, अच्छे धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे, घर में अशांति फैलाएंगे और वो भी अपने प्रतिष्ठा को तकलीफ आ जाएगी, प्रतिष्ठा में दाग हो जाएगा। तो ये कर्म अपना स्वाभाविक है कि अगर आप ग्रह आपके खराब होंगे तो कर्म अपना आप स्वाभाविक आपको अच्छे नहीं होंगे, और जब आपके ग्रह उच्च के होंगे तो स्वाभाविक आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, आप कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा को प्रधानता मिलेगी, प्रतिष्ठा की वाहवाह होगी। ये प्रधान ही कर्म और धर्म के माना तो ज्योतिष का आधार केवल कर्म है, धर्म बाद में आता है, पहले कर्म मानते हैं। और गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म को महत्व ज़्यादा दिए हैं। और ज्योतिष के अगर ग्रहों की स्थितियाँ कर्म के आधार पर फल देती हैं। जय श्री राधे, जय माता दी की।